एक्ट कर रहे हैं। ये माइन के अंदर जो माइनिंग ट्रेन आती है उसका यार्ड है। ये देखो भाई कितने ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की अंदर मस्जिद है। सबसे पहले इसकी जो दरियाफ्त है यहाँ पे नमक की इस एरिया में खेड़ा में, ये सिकंदर आज़म के दौर में हुई किस्म का रास्ता है। चलो भाई इधर अंदर जाते हैं। घोड़ा अंदर है यार इधर तो। ये किस साइड पे ले गई है आपको भाई? मेरा मुंह ही नजर आएगा यहाँ से क्योंकि इस टनल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेर है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल फ्रॉम खेड़ा साल्ट माइंस। इस वक्त हम मौजूद हैं खेड़ा साल्ट माइंस में और अभी हम टिकट परचेज करेंगे और जाके देखते हैं कि क्या आजकल रिसेंटली टिकट का रेट चल रहा है। मेरे आगे आगे हाफिज़ साहब जो हैं वो टिकट लेने के लिए जा रहे हैं। तो अभी हम तकरीबन कोई 187 किलोमीटर की राइड करके यहाँ पर पहुँचे हैं, तो यहाँ से हम टिकट बाय करेंगे और ये हैं टिकट के कुछ रेट्स लगे हुए हैं, जिसमें एडल्ट 400 है, अगर आप ट्रेन पे जाना चाहते हैं तो 600, चिल्ड्रन का 200 है, प्लस 200 ट्रेन का ऐड कर लें, इसी तरह सीनियर सिटीजन 200 और ट्रेन का 200 ऐड करके 400, और जो फॉरनर्स हैं, फॉरनर जो एडल्ट्स हैं उनके लिए $20 और जो चाइल्ड फॉरनर्स हैं उनके लिए $10 प्लस 200 अगर वो ट्रेन सर्विसेज लेना चाहते हैं। ये हमें दो बंदों का टिकट मिला है 800 में। हम अब ट्रेन पे नहीं जाएंगे, हम पैदल इसके एक तो आपको माइन दिखाएंगे पैदल चलते हुए, ट्रैकिंग करेंगे माइन के अंदर, और ट्रेन की सर्विस हमने नहीं ली। और ये हमें पर हेड 400 मिली है, दो पर्सन थे हम, 800 की ये टिकट आई। तो चले अब माइन में चलते हैं। ये आ रही है ट्रेन माइन से और अभी इस पर ये जाएगी अपने प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे टूरिस्ट को उतारेगी। ये इसका छोटा सा प्लेटफॉर्म है और वो पीछे यार्ड है। ले जी हम आ गए माइन के अंदर और अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके हम माइन के अंदर जाएंगे। और माइन के अंदर यहाँ पे एक पूरा शहर बसा हुआ है। माइन के अंदर नमक का एक मीनार पाकिस्तान, मस्जिद और एक हॉस्पिटल भी है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, मेरा मुंह नज़र आए ना आए लेकिन आपने वीडियो के साथ जुड़े रहने, क्योंकि अंधेरे में आपको मेरा मुंह जो है वो सही नज़र नहीं आएगा। तो चलें ये देखें माइन के अंदर लाइटिंग कैसी की हुई है इन्होंने। ये देखें यहाँ ये ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं और ये यहाँ पे कहीं कहीं पानी भी आ रहा है। ये इसके साथ साथ जो है पानी का, यहाँ मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये साथ साथ नाली में से पानी जा रहा है, ये सारा साल्टिश वाटर है और ये पानी पीछे ICS कंपनी है वहाँ पे जाता है और इस पानी में से सोडा ऐश जो है वो तैयार किया जाता है। ये यहाँ से साल्ट शुरू हो गया और पीछे सारे मिट्टी थी और ये देखें ये ऊपर भी साल्ट है जिसको पिंक साल्ट कहते हैं। दुनिया में ये बहुत ही पॉपुलर है। इस वक्त हम पिंक साल्ट की जो टनल है उसमें से गुजर रहे हैं माइन के एंट्रेंस। अभी भी हम माइन में जा रहे हैं, ये 1.5 किलोमीटर दूर हमने जाना है माइन के अंदर। तकरीबन अभी हम टनल के अंदर पहुंच ही गए हैं। यहाँ पे लाइट अच्छी थी और यहाँ पे आपको मेरा फेस भी नज़र आ रहा होगा और सामने यहाँ पे हमारी रिसेप्शन आ गई है टनल के अंदर, वो आपको दिखाते हैं। ये 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस हम तय करके बिल्कुल ये कान के अंदर आए हैं, पहाड़ी के नीचे वाला एरिया है सारा ये। ये माइन का रिसेप्शन एरिया है, यहाँ पे
एलसीडी के ऊपर आपको गाइडलाइन दी जाती है मुख्तलिफ एरियाज की, यहाँ पे वर्किंग किस तरह की होती है, उसका प्रोसीजर दिखाया जाता है, पूरी एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है यहाँ पे। और ये मुख्तलिफ जो एरियाज हैं माइन के अंदर, उनको पॉइंट आउट किया गया है यहाँ पे। वाह भाई वाह, क्या बात है, ये देखें, ये ऊपर साल्ट साइड पे देखें। ये जी अभी रिसेंटली बनी है साल्ट लाइब्रेरी, साल्ट माइन के अंदर मेरे को इफ्तिताह करा, और इसका इफ्तिताह जो है वो हम कर रहे हैं। अभी फिलहाल हाफिज साहब खोल के दिखाएंगे कि इसका इफ्तिताह किसने किया। मैं कर रहा हूं, ये प्रेसिडेंट डॉक्टर आरफ अलवी साहब ने 29 फरवरी 2024 को इसका इफ्तिताह किया। तो चले अभी फ़िलहाल ये बंद है क्योंकि अभी शायद बुक्स वगैरह जो है ना वहाँ पे लगेंगी, लेकिन लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के साल्ट पड़े हुए हैं, बुक्स नहीं हैं फ़िलहाल, ऑपरेशनल नहीं है अभी ये। चले आगे चलते हैं अंदर। और ये छोटा सा हॉस्पिटल है माइन के अंदर, और अस्थमा के जो पेशेंट हैं उनका यहाँ पे ट्रीटमेंट होता है, जिसको हम दमे के मरीज़ भी कहते हैं, तो उनके लिए ये रिजॉर्ट भी है। उनका कुछ दिन 15-20 दिन यहाँ रखा जाता है जो दमे के मरीज़ होते हैं, तो इसके अंदर इसकी माइन की आबोहवा से उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। ये यहाँ पे इसकी डिटेल भी हॉस्पिटल के सामने लिखी है कि यहाँ पे दमा के जो मरीज़ हैं इनका कुदरती इलाज होता है, हवा के अंदर जो नमक के छोटे छोटे ज़रात हैं ये जो है ये शफा का काम करते हैं दमा के जो मरीज़ हैं इनके लिए। चले आगे चलते हैं। ये माइन के अंदर जो माइनिंग ट्रेन आती है उसका यार्ड है, चलेंगे आज भी आगे लेके चलते हैं। साल्ट माइन के अंदर आपको ये छोटे छोटे तालाब इस तरह के नज़र आएंगे। ये तालाब बनने की वजह ये होती है कि जब माइन में से नमक निकाला जाता है, साल्ट की माइनिंग की जाती है, तो नीचे ज़मीन की खुदाई करने के बाद एक वक्त ऐसा आता है कि ज़मीन में से पानी निकलना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ पर खुदाई को रोक के एक नए एरिया से खुदाई की जाती है। तो ये वही जगह है जहाँ से ये साल्ट तो निकाल लिया गया, लेकिन अब ये ज़मीन से निकलने वाला पानी है, और ये पानी जो है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि बहुत ही साल्टिश वाटर है। इसके अंदर अगर कोई छलांग लगा दे वो डूबेगा नहीं, लेकिन वो ज़िंदा भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये इसके पानी का जो साल्ट है ये फ़ौरन इंसान के जिस्म के अंदर जो पानी है उसको खींच लेता है, जिससे इंसान की फौरी तौर पर डेथ हो जाती है। पिंक रॉक साल्ट और ये रॉक साल्ट, ये है वाइट रॉक साल्ट, और ये रॉक साल्ट जिसको हम काला नमक भी कहते हैं, और बड़े मज़े से ये इसके साथ किन्नू वगैरह खाते हैं। क्रिस्टल साल्ट और ये भी पिंक रॉक साल्ट, और ये कितने ज़बरदस्त किस्म का ये क्रिस्टल रॉक सॉल्ट है। ये देखें जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं ट्रैक साथ साथ जा रहे हैं, तो ये ट्रैक अंग्रेज दौर में और 90s तक जो है ना माइन से साल्ट निकालने के लिए इस्तेमाल होता था। यहाँ पे जो माइनिंग में ट्रेन इस्तेमाल होती है उसमें, ये देखें ये भी एक एरिया जहाँ से काफ़ी अर्सा पहले साल्ट निकाल लिया गया, और बहुत ही गहरा एरिया ये। ओए होए 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 यार, बड़ा खौफनाक किस्म का एरिया है, नीचे देख के ही खौफ आता है यहाँ पे। तो ये देखो भाई कितने ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म के अंदर मस्जिद है, और यहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए जगह भी है। अगर आप आएँ तो नमाज का वक्त है तो आसानी से इस साल्ट
से बनी हुई जो मस्जिद है, ये सारी की सारी मस्जिद की ईंटें जो हैं ये साल्ट की हैं, और इस साल्ट से बनी हुई मस्जिद जो है इसमें आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। क्या ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म की मस्जिद है, वाह भाई वाह। जितने हम खज्जल हुए हैं ना आज राइड के दौरान रास्ते में, माइंड के अंदर आ गए भाई, पैसे पूरे हो गए, थकावट उतर गई है हमारी। इस साइड पे है डिस्पेंसरी, और यहाँ पे ये देखें अंदर, ये मरीज़ों के लिए, पेशेंट्स के लिए बेड वगैरह भी लगे हुए हैं, तो दमे के मरीज़ों को यहाँ भी रखा जाता है। ये भी एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो कि बिल्कुल माइन के अंदर है, और इसकी भी दीवारें सारी जो है साल्ट से बनी हुई ईंटें जो हैं उससे ये तैयार किया गया है। क्या ज़बरदस्त यार, यहाँ पे साल्ट माइन के अंदर पूरी एक दुनिया है। आपको हॉस्पिटल भी मिल जाएगा, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद भी मिल जाएगी, बड़े बड़े तालाब भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे तोप भी है। ये देखें ये कैनन लगी हुई है, और इसकी सारी बेस जो नीचे बनी हुई है ये भी साल्ट से बनी हुई ईंटों से है। कमाल हो गया यार, ज़बरदस्त। और ये मॉडल बना है, ऊपर देखें ये लिखा हुआ है चागी पहाड़। ये यहाँ पे साल्ट से चागी जो पहाड़ है इसका मॉडल बना हुआ है। असल में चागी में जो पहाड़ था ये वो जगह है जहाँ पे पाकिस्तान ने 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो असल में ये जो पहाड़ से बने, यहाँ ऊपर से वाइट नमक जो है ना वो मुसलसल गिरने से एक पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर गए, और इस पहाड़ को नाम दे दिया गया चागी का पहाड़। और यहाँ से हल्का हल्का नमक वाला पानी भी टपक रहा है, और ये सफ़ेद जो क्रिस्टल नमक है, क्रिस्टल साल्ट, वो देखें जमा हुआ साल्ट लटक रहा है। ये ऐसे लग रहा है कि आप किसी जो है बर्फ़ की कान के अंदर आ गए हैं। तो ये भी जो एक पहाड़ सा बना हुआ है, ये सारा भी ऊपर से ये नमक गिरने की से एक जगह पे ये इकट्ठा हो गया, और उससे ये पहाड़ सा बन गया हुआ है। अच्छा, ये जो छत के ऊपर ये नमक लटक रहा है ऊपर वाली साइड से, इसको कहते हैं जी यहाँ जो है अश्के नमक। और जो कतरा कतरा नीचे नमक के ये जो बन गया हुआ है पहाड़ सा, ये इसको आहे नमक कहते हैं। ये आहे नमक है, और ये ऊपर जो है ये अश्के नमक है। अश कहते हैं आंसुओं को, ये नमक के आंसू हैं, और यहाँ इकट्ठे हो गए ये जो पहाड़ सा बन गए, इसको जो है ये आहे नमक। अब मेरी उर्दू इतनी भाई स्ट्रांग नहीं है, आह किसको कहते हैं, तो ये कोई दुखी लफ्ज़ भी हो सकता है अगर कोई अच्छा उर्दू को जानने वाला है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे मनारे पाकिस्तान बना हुआ है, मनारे पाकिस्तान का मॉडल, और ये थोड़ा सा जो है ना हेल्दी मनारे पाकिस्तान है। ये एक और तालाब माइन के अंदर, यार खौफनाक किस्म की जगह माइन के अंदर। यहाँ पे ये देखो मेरे पीछे एक और ये तालाब है, लेकिन यहाँ ये थोड़े से ये नमक के पत्थर लगा के बड़े बड़े तो इसको बंद किया हुआ है, क्योंकि इसके पीछे भी बड़ा गहरा पानी है। तो उस पानी के अंदर भी यही है कि अगर खुदा ना हस्ता कुछ गिर जाए, डूबेगा तो नहीं लेकिन जिंदा भी नहीं बचेगा। सबसे पहले इसकी जो दरियाफ्त है यहाँ पे नमक की इस एरिया में खेड़ा में, ये सिकंदर आज़म के दौर में हुई। सिकंदर आज़म ने यहाँ पे अपने, कहा जाता है कि घोड़े बांधे और वो पहाड़ों के पत्थरों को चाटना शुरू हो गए, तो फिर जब उसने देखा तो यहाँ पे इन पत्थरों में नमक मौजूद था, तो उस वक्त खैर प्रॉपरली तो नहीं निकाला गया था इसकी, जैसे आजकल माइनिंग हो रही है उस तरह से तो नहीं, लेकिन इसका दरियाफ्त ये उस वक्त हो चुका था। फिर ये माइन राजा रंजीत सिंह के दौर में उसके कब्ज़े में भी रही है, फिर प्रॉपर इसमें माइनिंग जब अंग्रेज़ दौर शुरू है, ब्रिटिश एरा, तो उस वक्त यहाँ पे प्रॉपर माइनिंग की गई, और उस वक्त से लेकर अब तक यहाँ से नमक जो है वो निकाला जा रहा है।
और उस वक्त से लेकर अब तक कहा जाता है जितना यहाँ पे नमक का ज़खीरा मौजूद है उसका तकरीबन कोई 15% भी निकालना नहीं गया, यानी अभी यहाँ तक पर जो है 85% नमक के ज़खायर जो है वो मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि अगर अगले 500 साल तक भी यहाँ इसी तरह से नमक निकाला जाए तो तब भी ये ख़त्म नहीं होगा। ये देखें मेरे पीछे, ये जो है ये इको चैम्बर है और यहाँ भी बड़ा गहरा तालाब है। तो माइन के अंदर आप जहाँ भी आएंगे मुख्तलिफ़ जगह पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स के ऊपर आपको इस तरह के तालाब मिलेंगे। तो ये असल में आप ये कह लें कि जब नमक निकालने का जो प्रोसीजर है, जो प्रोसेस है, वो इसी तरह किया जाता है। जब एक जगह से साल्ट निकाला जाता है तो खुदाई के दौरान जब ऐसा वक्त आता है कि नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाए तो फिर वहाँ पे खुदाई नमक की बंद कर दी जाती है और फिर एक नई जगह से खुदाई करना शुरू कर दी जाती है। ये जो पॉइंट है पीछे इसको कहते हैं आबशार। तो यहाँ इस ऊपर से ये जो आबशार आ रही है, जब बारिश होती है तो पहाड़ के ऊपर जो भी पानी इकट्ठा होता है पहाड़ों में से, इस आबशार के ज़रिए ये नीचे आता है और जहाँ से ये मैं आपको दिखा रहा से ये फिर पानी नीचे जो है वो चला जाता है माइन के अंदर। और ये वो जगह है जहाँ से ऊपर से ये पानी आ रहा है, इसको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का डेकोरेट किया हुआ है। तो पानी के साथ ये जो नमक पह के आता है वो भी यहाँ पे माइन के अंदर, चूँकि टेम्परेचर कम होता है तो थोड़ा सा जम जाता है, वहाँ पे ये रुका हुआ है। और ऐसे लगता है कि यहाँ पे जैसे कोई बर्फ़ पड़ी है, स्नो पड़ी है। तो जब कम बारिश आता है तो कम पानी आता है, जब बारिश ज़्यादा आता है तो फिर ज़्यादा पानी आता है। वाह वाह, ये देखो यहाँ से भी कोई रास्ता बना हुआ है, कुछ खुफिया किस्म का रास्ता है। चलो भाई इधर अंदर जाते हैं। ओए होए होए, बड़ा अंधेरा है यार इधर तो। ये किस साइड पे ले रही है आपको? भाई मेरा मुंह ही नज़र आएगा यहाँ से, क्योंकि इस टनल के अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। सारा मेरा बच गया भाई। ये देखें इधर हम निकल आए हैं इस एरिया में, अंदर से घूम के यहाँ से निकल आए हैं भाई। यहाँ से भी अंदर पानी के दो तीन बड़े बड़े तालाब हैं। और ये देखें लाइटिंग कितनी ज़बरदस्त, और साल देखें यार कितना ज़बरदस्त किस्म के कलर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। और चलें अब इधर अंदर चलते हैं। और ये जो सारा एरिया है इसको शीश महल कहते थे, लेकिन शीश महल अब बंद हो गया। शीश महल का जो ब्रिज है वो खस्ता हाल हो गया, इसलिए पब्लिक के लिए इसको बंद कर दिया है। अच्छा अब साहब ये नमक चेक करते हैं कैसे है? एक आपने टेस्ट करना है, एक मैं टेस्ट करता हूँ। ऐसे नहीं है या असली खालिश नमक है साहब? मैं है ये बाजार वाला दो नंबर नमक नहीं है, ये खालिस नमक है। ये यहाँ पे माइन के अंदर एक छोटी सी शॉप है जिसके अंदर ये सारे जो सोवेनियर्स हैं ये साल्ट के बने हुए, ये तमाम की तमाम आइटम्स, जिसमें कुछ लैम्प्स हैं और कुछ छोटे छोटे डेकोरेशन वाले पीस हैं। ये टूरिस्ट की ट्रेन गुजर गई, अब हम भी पैदल वॉकिंग पे जो है ना माइन से बाहर आ रहे हैं। अभी हम आ गए हैं माइन से बाहर
और ये जो एरिया है माइन के अंदर जाने का 1.5 किलोमीटर पैदल चल के, अगर आप पैदल आते हैं ट्रेन की सर्विस नहीं लेते तो 1.5 किलोमीटर आपको पैदल चल के माइन के अंदर जाना पड़ेगा, और इसी तरह इस तरह से रास्ते से ही वापस 1.5 किलोमीटर चल के आपको बाहर की तरफ आना पड़ेगा। बाहर की रोशनी हमें नज़र आ गई है और फाइनली हम पहुंच चुके हैं माइन के बाहर, और इसके साथ ही आज का अपना ये ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।